बात ये शकरपुरा डाल जा वांग में शकरपुरा दोस्तों आप सभी एकदम बड़े होंगे। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अवंती का नगरी उज्जैन और आप देख सकते हो आज है ना सोमवार है और महाकाल के दीवाने उन चारों साइड है। यहाँ पे ना सवारी निकलने वाली है, खतरनाक माहौल हो रहा है और यहाँ पे हमारे को दो ट्रेन में भाई मिले थे तो हमारा साथ ही है ना बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। सवारी में फुल फाल मचाने वाले हैं आज हम यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि आज हमारी ट्रेन है ना एक घंटे लेट चल रही है तो इस वजह से आज थोड़ा लेट आया हूँ। सवारी 4 बजे स्टार्ट हो गई है और मैं पहुँचा हूँ 5 बजे तो एक ये बेकार बात हुई है मैम। तो अभी फिलहाल में पहुंचा था रामगढ़ महाकाल बाबा की सवारी देखने के लिए लेकिन पब्लिक खतरनाक है उज्जैन में, हर जगह है ना पुलिस लगी है। बड़ी मुश्किल से गलियों में से निकल के आ रहा हूं अभी और अभी जा रहा हूं मैं पुल पे सवारी देखने के लिए तो देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं। पब्लिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, रामगढ़ पूरा खच्चा खच रहा है तो चलते हैं फटाफट। दोस्तों अभी फिलहाल मैं गया था रामघाट, फिर गया था पुल और अभी मैं जा रहा हूँ गोपाल मंदिर। मेरे को पता चला है कि 7 बजे महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर पहुंचेगी तो मैं पहले से जाके बैठ रहा हूँ। कुछ भी हालत में आ जाना मेरे को महाकाल बाबा के दर्शन करने, एक झलक पाने के लिए यहाँ पे है ना बाबा की दूर दूर से लोग आए हैं, मतलब खचा खच भरा है उज्जैन। लोगों में चलने की जगह नहीं मिल रही है ढंग से, डिवाइडर लगे हैं, पुलिस लगी है, मतलब क्या पता अपन को आज है ना महाकाल बाबा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी कि आज महाकाल बाबा के दर्शन कर लूँ क्योंकि आज हमारी गलती एक ये है कि हमारी ट्रेन एक घंटा लेट थी। फिर तो मैं ना 2 बजे का आ जाता उज्जैन लेकिन अब 5 बजे उज्जैन पहुँचा हूँ, उसकी वजह से जगह नहीं मिल रही है मुझे शूट करने के लिए। तो पहुँचता हूँ गोपाल मंदिर और देखते हैं बाबा के दर्शन होंगे कि नहीं। काफी सारे यहाँ पे भक्त बैठे हैं और अभी 7 बजे मेरे को मालूम पड़ा है कि बाबा की सवारी आने वाली है। आज पहला सोमवार है ना तो काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, देखना पूरी सड़कों पे पब्लिक है। तो अभी यहाँ से बैठ के आराम से अपन शूट करेंगे यहाँ से। जानने के लिए प्रजावासियों को आशीर्वाद देने के लिए समय समय पर भगवान महाकालेश्वर की सवारी महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण से बाहर निकलती है। आ रही है पालकी, पालकी पार्वती ¡Gracias!
पास उज्जैन महाकालेश्वर भांग की दुकान है, काफी ज्यादा फेमस है ये भांग की दुकान। तो देखते अपन है ना यहाँ पे क्या भांग में जादू है, जो लोग है ना इतने दीवाने हैं यहाँ के भांग के। तो भाई गए अपने दो भाई आए अपने साथ कावड़ उठाने के लिए, यहाँ से पुणे जाएंगे उज्जैन से कावड़ लेके। तो अभी वो यहाँ पे भांग पीने आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी वीडियो बना लेता हूँ यहाँ की भांग की, देखते हैं कैसी बनाते हैं भैया। जय श्री महाकाल। ये भांग देख रहे हैं ये शकरपुरा डाल जा भांग में, शकरपुरा भैया एक बना देना, दूध में बनवाना बाबा। ये क्या भैया, ये क्या है दूध? वो चाज है क्या? चाज वाला, चाज वाला कल मिलेगा, कल मिलेगी चाज वाली। वहाँ क्या दूध वाला ले ले अपन, भैया एक गिलास दूध वाली भांग दे देना। ये लो, अरे नीचे उतरो, नीचे से आप मत करो, ऊपर ले लो, पैसे काट लो, लो पैसे काट लो, एक गिलास भांग दे दो। तो भाइयों ने अपने ना एक गिलास भांग ले लिए दूध वाली, तो ज्यादा है ना इनको फर्क नहीं पड़ा है दूध वाली भांग में। लेकिन आप शादी पीते हैं तो 40 रुपए की भांग है शादी, और पूरी चढ़ती है ये सब बता रहे हैं भैया। भांग एक गिलास और बना दो, हरी वाली बना ना जो थोड़ी कल्डी चढ़े, ये हाँ। दोस्तों अभी फिलहाल है ना 2-3 घंटे मैंने इंतजार करा बाबा महाकाल की सवारी का, और 2 घंटे बाद बाबा महाकाल ने मुझे ना अपने दर्शन दे दिए। काफी अच्छा लग रहा है यार बाबा महाकाल के दर्शन करके, दिल को ठंडक मिल रही है। और है ना बहुत इधर उधर दौड़े हम 2-3 घंटे, फिर जाके हमारे को एक जगह मिली सड़क पे बैठे, फिर वहां से मैंने ना पूरा वीडियो निकाला। और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ बाबा महाकाल का कॉरिडोर घूमने के लिए, और पानी भी आ चुका है, और यहाँ पे है ना काफी सारी चीजें ना बदल चुकी है। 1 महीने पहले आया था उस टाइम है ना यहाँ पे मूर्तियों थोड़ी बहुत टूट गई थी, अभी सब रिपेयरिंग पे है महाकाल कॉरिडोर पूरा, वो देख सकते हो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, और अभी थोड़ा पानी भी आ चुका है यहाँ पे। दोस्तों आप सभी को है ना भस्म आरती का दर्शन करने हैं तो यहाँ पे 150 रुपए लगते हैं, और 3D दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो भस्म आरती के बाबा महाकाल के। तो पीछे कर रहे हैं काफी सारे लोग, तो आप सभी को मैं बताता हूँ किस तरह यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं भस्म आरती के। 150 रुपए लग रहे हैं, भैया ले रहे हैं अंदर की साइड, तो आपको बताता हूँ वहाँ पे जाके किस तरह दर्शन करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह है ना भस्म आरती का दर्शन कर सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपको पहना देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ना बाबा के दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रखे हैं इन्हें सबने, और वहाँ पे है ना पोस्टर भी लगा है देख सकते हो, 150 रुपए दर्शन के बाबा महाकाल के। तो इस तरह आपके दर्शन हो जाएंगे। आज काफी ज्यादा थक गया था, इस वजह से ना मैंने इतना अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया हूँ मैं महाकाल मंदिर का। आपको मैं ना कल के वीडियो में सब बताने वाला हूँ कहाँ पे रहना है, कितना खर्चा होने वाला है उज्जैन घूमने में आपका। तो इस वीडियो को आज अपन यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।